वो मेहंदी वाला मुफ्त में तो नहीं लगा रहा ना बीजेपी कैंडिडेट के लिए, उसको कोई तो पेमेंट कर रहा है। कौन पेमेंट कर रहा है? कैंडिडेट ही पेमेंट कर रहा है ना। यहाँ लेडीज अपनी जेब से 50-50 रुपए दे के कमल का फूल बनवा रही है। आप लिफाफों में पैसे भर भर के 3,000-5,000 की लिफाफे बना के अपने शक्ति केंद्र प्रमुखों को बांट रहे हैं, अपने बूथ प्रेसिडेंट्स को बांट रहे हैं। जम्मू ईस्ट में हो रहा है, रेस्ट ऑफ जम्मू क्या हो रहा है वो आप बाकी से सर्वर को, इनको सबको वीडियोस भेजी, फोटोज भेजी। आप वीडियोस में आपको भी भेज दूंगा, आप उसमें देखें किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भारतीय जनता पार्टी की जो एसेसरीज है उसको लगा रहे हैं, रात के समय में लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है वार्ड नंबर 16 के, आप देखें वो साथ में है उनके वार्ड नंबर 16 में। ये कुछ वीडियोज वहां की है, कुछ वीडियो सिटीज की है। बच्चों को आप आगे कर रहे हो, उनसे काम भी करवा रहे हो, उनसे प्रमोट भी करा रहे हो, वो भी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की। आप लोग मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को भी तो एक बार पढ़ लीजिए ना, उसकी गाइडलाइंस क्या कहती हैं। यहाँ आप लोग इस होड़ में हो कि हम रूलिंग पार्टी है तो हम कुछ भी करेंगे। भैया आपने क्या किया, आप रातों रात खुद दुकानें सीज करवाते हो, अगले दिन सुबह जाके बोल देते हो कि भाई मैं युद्धवीर सेठी ने मिलकर सब करवा दिया। तो आप ना कभी कॉर्पोरेटर रहे, ना आप इससे पहले कभी एमएलए रहे, आपने किस कैपेसिटी में किस ऑर्डर में आपने करवा लिया? ये मैंने 18 तारीख की कंप्लेंट, ये कंप्लेंट आपके सामने पड़ी है, ये इलेक्शन मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी जम्मू को कंप्लेंट दी है परसों की। मेरी कंप्लेंट ली उनकी किसी अफसर ने, मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट आपकी आगे भेज दी, 48 घंटे हो गए। नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ वरुण शर्मा। विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं और आप सब जानते हैं कि चंद्रमोहन शर्मा जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जम्मू ईस्ट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं के जो इलेक्शन इंचार्ज हैं एडवोकेट कन्नव शर्मा, यह आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू ईस्ट में कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा हुआ है उसका वायलेशन जो है वो भाजपा के उम्मीदवार वहां से कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है कन्नव जी से बातचीत करते हैं। कन्नव जी पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नव जी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू ईस्ट में कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, और कौन कर रहा है, किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं भी एज ए वोटर और जैसा आपने बताया चंद्रमोहन शर्मा जी के इलेक्शन इंचार्ज भी हूँ, हम लोग भी कैंपेन्स कर रहे हैं। बट अगर आप जम्मू शहर में जाएंगे, जम्मू ईस्ट जो है उसका हमारा ईस्ट मंडल जो है, जो पूरी ओल्ड सिटी, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे छोटी छोटी गलियाँ हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पे स्टिकर्स लगाए गए हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पे बीजेपी के बैनर्स झंडे लगाए गए हैं, 60-70 हज़ार घरों में लगाए गए हैं, विदाउट परमिशन लगाए गए हैं। क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे आपको बताया कि चंद्रमोहन शर्मा जी ने 11 तारीख को अपना नॉमिनेशन भरा था, तो पिछले कल हमारी फॉर्मेलिटी सारी जो है वो कंप्लीट हुई है, हमारी परमिशंस जो है वो हमें पिछले कल 19 तारीख को दी गई है कि अब आप अपना प्रचार कर सकते हैं, लाउड स्पीकर यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिस बैनर्स अपने लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे हाँ समय कम रह गए, जबकि 10 दिन रह गए। आप देखिए ये एक एक महीने से सब लगा के बैठे हुए हैं और पानी की तरह इन्होंने पैसा बहाया हुआ, क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनको चेक नहीं करता, हमारे ऑब्जर्वर्स क्या कर रहे हैं? आप सिटी में जाके लाखों की तादाद में कह रहा हूं तो 2 लाख प्लस इनके स्टिकर्स हैं, 2 लाख प्लस इनके झंडे हैं, 2 लाख हर एक जगह का कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक कुछ पर्टिकुलर नंबर को इलेक्शन कमीशन ने रखा होगा कि आप 40,000 फ्लेक्स लगाइए, वोट नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए 40,000 से आप ज्यादा नहीं कर सकते, 30,000 आप स्टिकर बनाएंगे उससे ज्यादा नहीं, लिमिट सेट की गई, लिमिट सेट की गई है, उस लिमिट से तो बहुत ज्यादा आगे गया है मामला। और आम कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बेचारा वैसे ही मन जुटा के अपनी हिम्मत करके इलेक्शन लड़ता है जिसके पास कोई कैडर नहीं होता, पैसा नहीं होता। मैं तो एक ऐसी फैमिली से, एक आम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, चंद्रमोहन जी ये सारे जो लोग बैठे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो आम आदमी की सेविंग है, जो लोग हमें देख रहे हैं आप जैसे ही हम लोग भी, जहाँ पे इनका अगर आप देखोगे ये लोगों के पास, ये लोग जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं इनके पास करोड़ों में पैसा है, इतना पैसा बहाते हैं, इनकी जो ये वॉयलेशंस हैं इनको भी प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए। मैंने 18 तारीख की कंप्लेंट, ये कंप्लेंट आपके सामने पड़ी है, ये इलेक्शन मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी जम्मू को कंप्लेंट दी है परसों की। मेरी कंप्लेंट ली उनकी किसी अफसर ने, मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट आपकी आगे भेज दी, 48 घंटे हो गए, उस पर कोई इशू नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। आप जो परमिशन दे रहे हैं ना एडवर्टीजमेंट की, उसमें आप परमिशन नंबर दे रहे हैं, एंड इट इज यू आर बाउंड टू पब्लिश दैट परमिशन नंबर ऑन योर पोस्टर्स, अपने फ्लेक्सिस पे, स्टिकर्स पे आपको नंबर नोट करना। आप जम्मू ईस्ट में जाके देखिए कौन से बीजेपी के स्टिकर पे या वहां पे वो नंबर कहीं पे आया हुआ है, इसका क्लियर क्लियर मतलब है ये पीछे से ऑलरेडी एसेसरी छप के आई हुई है भारी मात्रा में और रातों रात लगा दी गई है।
ठीक है, इस पे परमिशन नंबर्स नहीं है, तो दिस इज वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आप मेहंदियां स्पॉन्सर कर रहे हैं लेडी वोटर्स को, फिर आप सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कमल का फूल बना के, वो मेहंदी वाला मुफ्त में तो नहीं लगा रहा ना बीजेपी कैंडिडेट के लिए, उसको कोई तो पेमेंट कर रहा है। कौन पेमेंट कर रहा है? कैंडिडेट ही पेमेंट कर रहा है ना, या लेडीज अपनी जेब से 50-50 रुपए दे के कमल का फूल बनवा रही है? क्या ये ब्राइब में नहीं आता? क्या ये वायलेशन नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की? आप लिफाफों में पैसे भर भर के 3,000-5,000 की लिफाफे बना के अपने शक्ति केंद्र प्रमुखों को बांट रहे हैं, अपने बूथ प्रेसिडेंट्स को बांट रहे हैं। जम्मू ईस्ट में ये हो रहा है, रेस्ट ऑफ जम्मू क्या हो रहा है वो आप बाकी से, बीजेपी कैंडिडेट कर, बीजेपी के टीम कर रही है, बीजेपी कैंडिडेट मतलब जो कोई भी कर रहा होगा अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट ही कर रहा होगा ना, जीतना तो कैंडिडेट को ही अल्टीमेटली। आप ये सब चीजों पे चेक क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस में भी यही हो रहा है, आप कांग्रेस के देखिए जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, क्या इनको लाइसेंस है कि आप अंधाधुंध अपना अनगिनत नंबर ऑफ होर्डिंग्स फ्लेक्सिस ये सब आप लगा सकते हैं? आप अमित शाह जी के फ्लेक्स जो लगे हैं, मोदी जी का विजिट हुआ उनके जो फ्लेक्स लगे हैं, आप उनमें अगर आप जाके देखेंगे उनमें परमिशन नंबर है, उनमें परमिशन नंबर है। कैंडिडेट के अपने जो असेसरी यहाँ पे लग रही है जितनी भी, उसमें कहीं परमिशन नंबर नहीं है, क्यों नहीं है भैया? और हम लोग जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बेचारा, वैसे ही जरूरी नहीं है हर बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बंदा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता है, कोई बिजनेस क्लास से, कोई आम तबके से, कोई सोशल बैकग्राउंड से, कोई टीचिंग बैकग्राउंड से लड़ सकता है इलेक्शन जिसको प्रॉपर नॉलेज ना हो। आपने इतने कॉम्प्लिकेट कर दिए फॉर्मेलिटीज की बंदे को आधी हिम्मत तो बंदे की वैसे खत्म हो जाती है, उसको 10 दिन में हम कितना लोगों का समर्थन है हमारे साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि बौखलाहट है, बौखलाहट नहीं है, लोगों का समर्थन, हम जहां जा रहे हैं लोग हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को ये कमी पेशियां पता है बीजेपी की। बीजेपी की स्टेट लीडरशिप फेल है और अभी हाल ही में भी फेल होगी, इन्होंने आज तक कभी जम्मू के हक की बात कभी वहां पे की नहीं है सेंटर में। आप देख लें हाल ही में नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जम्मू का कोई जिक्र नहीं किया, जम्मू के लोगों का कोई जिक्र नहीं किया, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी बिजली जो स्मार्ट मीटर जितने इश्यूज हैं, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे विडोज की पेंशन, ये सारे बर्निंग इश्यूज जो हैं जिनमें जम्मू के लोग जूझ रहे हैं, आपने वो बातें ऊपर तक एड्रेस नहीं की हैं, उनको कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में। मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा। आपने अपने अपने प्रेस नोट में ये भी कहा कि छोटे छोटे बच्चों से चुनाव प्रचार करवाया जा रहा है जी, जो ये मेरी कंप्लेंट है, इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, अपने ऑब्जर्वर को, इनको सबको वीडियोज भेजी, फोटोज भेजी, आप वीडियोस में आपको भी भेज दूंगा, आप उसमें देखें किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भारतीय जनता पार्टी की जो एसेसरीज है उसको लगा रहे हैं, रात के समय में लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है वार्ड नंबर 16 के, आप देखें वो साथ में है उनके वार्ड नंबर 16 में, ये कुछ वीडियोज वहां की है, कुछ वीडियो सिटीज की है। बच्चों को आप आगे कर रहे हो, उनसे काम भी करवा रहे हो, उनसे प्रमोट भी करा रहे हो, वो भी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की। आप भाई साहब, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके पास लीगल टीम 20 बंदे आपके त्रिकुटा नगर ऑफिस में है, 2-4 यहाँ बैठे हैं, अरविंद खजूरिया जी आपके बैठे हैं जो देख रहे हैं, तो आप लोग मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को भी तो एक बार पढ़ लीजिए ना, उसकी गाइडलाइंस क्या कहती है। यहाँ आप लोग इस होड़ में हो कि हम रूलिंग पार्टी है तो हम कुछ भी करेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। जनता से चुनाव प्रचार नहीं करवा सकते, बच्चों से चुनाव प्रचार आप नहीं करवा सकते, आप कैसे, आप अभी इधर माइनर चाइल्ड लेबर जो है वो दैट इज एन ऑफेंस, आप बच्चों को कैसे लगा सकते हो? ठीक है कोई बच्चा मोदी जी का फैन हो सकता है, पर उसके जिसको मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो हम भी बचपन से कोई बचपन से ही बच्चों को बताया जाता है कैंडिडेट के पोस्टर लगा रहे हैं, हूज योर प्राइम मिनिस्टर। भारतीय जनता पार्टी क्या है, कमल का फूल क्या है, पोस्टर्स क्या है, फ्लेक्सिस क्या है, ये तो आप बच्चों को सिखा रहे हो ना, 2-3 साल की उम्र में आप तो अभी से उनको एज ए लेबर यूज कर रहे हो। आपकी अपनी टीम कहां पर है, आपका अपना कैडर कहां पर है, क्यों नहीं चल रहे लोग आपके साथ? ठीक है, आप हमारे कैंडिडेट चंद्रमोहन शर्मा जी को फेस नहीं कर पा रहे हो मीडिया में। एक किसी मीडिया चैनल ने एक ओपन डिस्कशन रखी थी, पैनल डिस्कशन पब्लिक के बीच में मुबारक मंडी में, अगर आप वहां जाके किसी से पूछेंगे, उसका शायद आज टेलीकास्ट आ जाएगा, अगर आप उसमें पूछेंगे, वहां पे युद्धवीर सेठी जी भी नहीं आए, कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, युद्धवीर सेठी जी भी नहीं आए, योगेश सानी जी भी नहीं आए, चंद्रमोहन शर्मा जी वहां खड़े थे, पीडीबी वाले कैंडिडेट आए थे, वो आदित्य गुप्ता जी हैं। ये दो बंदे आज भी डेयर नहीं करते उनको फेस करने की, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। युद्धवीर सेठी जी, मोदी जी ने ये किया, मोदी ने वो किया, हम सरकार बनाएंगे, हम ये करें, भैया आपने क्या किया? आप रातों रात खुद दुकानें सीज करवाते हो, अगले दिन सुबह जाके बोल देते हो कि भाई मैं युद्धवीर सेठी ने मिलकर सब करवा दिया। तो आप ना कभी कॉर्पोरेटर रहे, ना आप इससे पहले कभी एमएलए रहे, आपने किस कैपेसिटी में, किस ऑर्डर में आपने करवा लिया? आप लोगों को कहते हो अपने भाषणों में कि मैंने भैया उधर थे मैं नाली बनवाती, उसे मैं ये करता, उसे मैं वो करता,
इन व्हाट कैपेसिटी यू हैव डन दैट, आपने किस कैपेसिटी में उसको इनॉग्रेट किया? ना आप कॉर्पोरेटर रहे कभी, ना आप एमएलए रहे, आप कैसे जाके वो करवा रहे हो? और आपके जो काम है वो ट्रांसफर्स वाले जो चीजें आप मैनेजमेंट करते थे, आप शायद आप यही सपने में होगी इस बार मैडम जी मैनेजमेंट करेंगी और आप चेयर पे बैठोगे, बट ये हम होने नहीं देंगे भाई साहब। ना यहाँ पे आएगी बीजेपी, ना यहाँ पे आएगी कांग्रेस। कांग्रेस और एनसी का कंडक्ट आप पहले देख चुके हैं 60-70 साल का, आज भी कांग्रेस और एनसी की, अभी आप देखेंगे हाल ही में उनका मैनिफेस्टो आया, उनके कोई डिमांड्स नहीं है। उनको योगेश सानी जी हैं, रमन भल्ला जी हैं, और भी बड़े सारे नेता हैं, मैं बताऊंगा, आप कभी नोट कीजिए ये लोग कोविड के समय कहाँ थे, कोविड से पहले कहाँ थे, 2014 से अभी तक इन्होंने कितनी एक्टिविटीज की, कितना लोगों का समर्थन किया। इलेक्शन नोटिफिकेशन आती है तो ये भाई साहब सारे घर से निकलते हैं, कांग्रेस वाले अपनी अपनी गाड़ियों के तरपाल उतारते हैं, अपने बंदों को फोन करते हैं, बिल्लू टोनी जगह भाई आ जाओ, सारे आ जाओ, कट्ठे कुट्ठे करके कैडर तो पोस्टर लगा देते हैं, कोई इनकी वो नहीं है। पैसा इन्होंने कमाया हुआ 60-70 साल का, बस इन्वेस्ट करना है, हर बार इलेक्शन में खड़े हो जाना है, कोई वो नहीं है, बस जाके नमस्ते नमस्ते करो, फिक्स वोटर तो है ही है कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम सवाल कर रहे हैं कि 48 घंटे में आपने क्या एक्शन किया, आपने हमें इंटीमेट नहीं किया, आप अभी भी समय है, जो हायर अथॉरिटीज है उनको भी आपके माध्यम से बोलूंगा, आप इस पे एक्शन लीजिए। हम नहीं कह रहे उनको बैन कीजिए, वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, वो लड़े आवाम में आए, हमारे साथ आए, 1-to-1 करें, हम लड़ेंगे, उनको जवाब जनता देगी वहां पे, हम हारे वो हारे कोई जीते वो बात की बात है, लेकिन ये जो वॉयलेशंस है कोड ऑफ कंडक्ट की, अगर इन पे इस समय एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वैसे भी इलेक्शंस के बाद ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। इधर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट बन के कोई एमपी एमएलए बन के निकल जाते हैं आगे, बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, बाद में कोई नहीं पूछता, यही समय है भाई साहब, आप इंश्योर कीजिए, एग्जेम्पलरी एक्शन कीजिए। पता लगना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कहती है फेयर एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है तो उसको प्रूव करके दिखाइए, आप कंपनसेट, आप फाइन कीजिए जहां पे वायलेशन हो रही है। आपके ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, जम्मू ईस्ट में गलियां गलियों में आप जाके देखिए, और ये जो मैं बातें कह रही हूँ सब तथ्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नब जी उनसे बातचीत करने के लिए। तो एडवोकेट कर्नब शर्मा जो कि चंद्रमोहन चंद्रमोहन शर्मा के समर्थक है, आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता यहाँ पर की है और ये आरोप लगाए हैं कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं जम्मू ईस्ट से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन कर रहे हैं और उसकी कंप्लेन भी जो है वो अधिकारियों को कर दी गई है। जी मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा क्योंकि इन बातों में वो चीज रह गई थी। देखिए 19 तारीख को चंद्रमोहन शर्मा जी को टॉर्च का सिंबल मिला है, मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, सभी जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़कर 1 तारीख को घर से निकलें, वोटिंग करने आएं और टॉर्च का बटन दबा के चंद्रमोहन शर्मा जो एक ईमानदार नेता है, तवी आरती करते आ रहे हैं 2013 से, हर रविवार अगर आपके ध्यान में होगा विक्रम चौक तवी आरती घाट पे हर एतवार को शाम को संध्या आरती होती है, जम्मू के कॉज के लिए 50-55 साल से लड़ते आ रहे हैं जम्मू के लोगों के लिए, एक बार उनको आप मौका दीजिए, वो एमएलए जम्मू ईस्ट बन के आएंगे तो ये जो नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की आई है जो अपने बाप दादाओं को बाप दादा नहीं समझती है, बाकी लोगों को बाप दादा मान लेती है, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा, उनको भी पता लगेगा कि भैया काम कैसे किए जाते थे पहले और आज भी काम कैसे किए जाते हैं नेता बन के, लोगों का मास लीडर क्या होता है वो आपको वो ही सिखा सकते हैं, आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखें और जो भी लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। नमस्कार।